It's my life. वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत क्यूट सी है, क्योंकि आज हम मिनीसो शॉप टूर करने वाले हैं। मैं रिसेंटली मिनीसो गई थी, वहाँ मैंने विजिट किया था, तो उस पूरी शॉप का जो है वो टूर कराने वाली हूँ। तो आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू। जिस मिनीसो पे हमने विजिट किया था वो था एट्रियम मॉल सदर में। अगर आप सदर में एट्रियम मॉल में एंटर होगे तो लिटरली एंटर होते ही सेकंड शॉप आपको मिलती है मिनीसो की। सबसे पहले हम लास्ट फ्लोर पे गए थे फूड कोर्ट पे, क्योंकि फूड कोर्ट पे ही वॉशरूम बना हुआ था, तो हमें सबसे पहले वॉशरूम जाना था। साथ ही साथ मैं फूड कोर्ट भी देख रही थी कि कैसा है। काफ़ी डिसेंट फूड कोर्ट बना हुआ है और काफ़ी सारे फ्रेंचाइजेस भी हैं फूड आइटम्स के, तो वहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम मिनीसो गए। बहुत क्यूट सी छोटू सी शॉप बनी हुई थी। एंटर होते ही आपको सब कुछ नज़र आएगा जो भी आपको चाहिए होगा। बैग्स के बहुत डिसेंट कलेक्शन थे वहाँ पर, परफ्यूम्स के बहुत डिसेंट कलेक्शन थे, हेयर बैंड के बहुत क्यूट कलेक्शन थे। आप पूरा सर्वे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कटलरीज का ऑप्शन था जिसमें फोक्स स्पून्स सब कुछ अवेलेबल थे। ज़ीरो से लेकर ऑलमोस्ट 10 साल के बच्चों के लिए गेम्स भी अवेलेबल थे, स्टफ टॉयसेस अवेलेबल थे। अच्छा, जो स्टफ टॉयसेस की जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 3000 और 4000 के दरमियान थी, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। 3400, 1600, 2600 के स्टफ टॉयसेस थे। इनकी क्वालिटी बेहतरीन थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बट स्टिल इट्स बिट एक्सपेंसिव। ये सनी प्लास का एक छोटा सा ऑप्शन था जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। लास्ट में शेल्फ का एक प्रॉपर ऑप्शन था जिसमें आपके पास स्टोरेज बॉक्सेस थे, किचन स्टोरेज बॉक्सेस थे, इवन ये क्लोथिंग स्टोरेज बॉक्सेस थे। इनकी क्वालिटी बेहतरीन थी। ये आए 1500 के आसपास थे, ये वाले जो हैं ये 1600 के, जैसे कि मेंशन है यहाँ पे। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये बच्चों के कपड़े वगैरह रखने के लिए थे, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे क्योंकि प्रॉपर प्लास्टिक थी। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ऑप्शंस थे मिनीसो में, अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। चार्जर्स, पावर बैंक्स, केबल्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। स्पंज, बहुत डिफरेंट टाइप के स्पंज थे जो जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ स्लाइडर्स थे जो हमेशा से मिनीसो के क्यूट कलर्स में, पेस्टल्स में आते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो मैंने कुछ एज सच शॉप नहीं किया मिनीसो में, क्योंकि मैं किसी और काम से गई थी और इत्तेफाक से मेरा एटीएम जाना हो गया था, एंड आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ व्लॉग ऑफ होल मिनीसो टूर। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग प्राइसेस और रिगार्डिंग के शॉप कहाँ पर है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। कैंडल्स और एयर फ्रेशनर का एक पूरा रैक था जिसमें आपको वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हर टाइप की जो है कैंडल्स अवेलेबल होती हैं। इनकी प्राइसेस भी 3400 to 4000 रुपीज़ के आसपास होती है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बात सिपर्स का और इस तरीके की कॉफ़ी के जो सिपर्स होते हैं और ग्लासेस होते हैं क्यूट क्यूट, उनका एक पूरा का पूरा रैक था जो कि ऑलमोस्ट 2200, 3200 और 4000 का था, लेकिन इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और जो कोका कोला वाला मैंने दिखाया वो स्टील का था, तो स्टील की जो क्वालिटीज़ थी उसकी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और प्रोडक्टिव था। मतलब ये है कि दो तीन बार अगर गिर भी जाएगा तो वो टूटेगा नहीं।
वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जो है हम वहाँ से निकल गए थे, हमें दूसरे कामों में जाना था, तो ये अनार खाया हमने। फिर हमने दोबारा से जो है वो खाना खाया, लंच किया था क्योंकि हमने बीच में सैंडविच भी खा लिया था। मॉन्टीज़ गए थे, आई लव मॉन्टीज़। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आप बताओ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे मज़ीद आइडियाज़ दो कि मुझे कौन सी मार्केट या कौन सी चीज़ें कवर करनी चाहिए आप लोगों के लिए। बाय।